त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली और गुरुपुरब के दौरान यात्रियों की ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती है। इसलिए त्योहारों के दौरान धार्मिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेन और संवेदनशील स्थानों असामाजिक तत्व शरारत करके गड़बड़ी कर सकते हैं। त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भी अधिक भीड़ होती है। सभी यात्री अपने गांवों की तरफ अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए रवाना आते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन सख्त पहरा देता नजर आ रहा है। किसी प्रकार की स्टेशन पर घटना ना हो सके, इसलिए स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर जावेद खान ने बताया कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें काफी लोग अपने घर आते जाते हैं, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ रहती है। इस भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व जनता के साथ अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनके बैग चोरी कर ले जाते हैं या जहर खुराने जैसी घटनाएं हो जाती है। इन पर काबू पाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीम समय समय पर चेकिंग करती रहती है और ट्रेनों में जाकर यात्रियों को जागरूक किया जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान न लें, जिससे यात्री सुरक्षित रहे। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी समय में दीपावली, छठ और ये त्यौहार आ रहे हैं। इस सीजन में काफ़ी लोग यहाँ से अपने घर जाते हैं, वापस आते हैं, तो नॉर्मली स्टेशन पर काफ़ी भीड़ रहती है। इस भीड़ का फायदा उठा के असामाजिक तत्व हुए, ये लोग सब जनता के साथ अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनके बैग चोरी कर लेते हैं या जहर खुरानी जैसी घटनाएं घटित होती है। तो इसके रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीम मिलकर समय समय पर लगातार चेकिंग करती हैं, ट्रेनों में जाके यात्रियों को जागरूक करती हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु ना खाएं, कोई वो आपके आपके भाषा के अनुसार या आपके क्षेत्र का बता के आपके साथ घटना घटित कर सकता है। इसी को रोकने के लिए हम समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं और यात्रियों को जागरूक करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, लेबर क्लास वर्ग उत्तर भारत के रहता है, तो उत्तर भारत में जैसे छठ है, ये लोग काफ़ी लोग मनाते हैं। तो सीजन के टाइम पर ये सभी लोग क्या करते हैं कि इनको जाना पड़ता है अपने छठ, इनका महत्वपूर्ण त्यौहार है, दीपावली से भी ज़्यादा उसको मानते हैं। तो उस समय इतनी भीड़ हो जाती है, अगर दोनों, अगर एजेंसीज आरपीएफ जीआरपी और अगर हम लोगों के द्वारा अगर चेकिंग नहीं की गई या यात्रियों को जागरूक नहीं किया, तो घटनाएं घट सकती है उनके साथ, उनके ज़िंदगी भर की कमाई जा सकती है या उनकी जान को जोखिम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब कोई अभियान चलाते हैं, इससे यात्री सुरक्षित रहते हैं और उनके विरुद्ध अपराधों में भी कमी आती है। सर, चैन से नेचर की बात की जाए तो चैन से नेचर की घटना लगातार रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है, उसको लेकर क्या? देखिए, हर किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कौन चोर है या वो है, लेकिन फिर भी यह है कि एक जो पुलिस होती है उसकी एक नज़र अलग ही रहती है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है कि हम आदमी को पहचान सकते हैं कि कौन है। इसके लिए हम काफ़ी रोकथाम करते हैं, लेकिन आजकल के क्या कर रहे हैं कि बहुत से लोग टिकट लेकर भी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है कि जो टिकट लेकर आया हमारे लिए यात्री है, हम या तो उसकी पर्सनल चेकिंग कर सकते हैं, अन्यथा फिर वैसे हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने क्या करा है, जितने भी जैसे चोर हैं, अपराधी हैं, उनकी फ़ोटो गैलरी बनाई है और हम लोकल में जैसे कि अपना वो व्हाट्सएप पे हमारा एक वो है ग्रुप है, तो सारी फ़ोटो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर देते सारे स्टाफ को। अगर उस प्रकार का कोई जैसे बंदा नज़र आता है तो स्टाफ उस पर तुरंत कैप्चर करता है और हर किसी स्टाफ को बताया गया है कि हर किसी को टोके, पूछें, उसकी चेकिंग करें। जो असामाजिक तत्व होता है, जो किस प्रकार का अपराधी होता है, वो उस चीज़ से डरता है, तो इससे भी अपराध में कमी आती है। सर, स्टेशन पर जो यात्री आते हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं ये त्योहारों के दिनों में? अपील तो आजकल वैसे सब पढ़े लिखे हुए हैं और सब ज़्यादातर जानते हैं और मीडिया के माध्यम से बीच बीच में खबरें भी आती रहती हैं। बस अपील ये है कि पुलिस तो देखिए बहुत कम होती है और हर जगह वो सेफ्टी नहीं बढ़ सकती, लेकिन उस अपराध को रोकने के लिए हमको जनता को भी जागरूक, अगर जनता जागरूक होगी तो आधे अपराध तो हमारे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उनसे अपील है कि जो हम जैसे हम बताते हैं, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, उसके कोई खाने पीने की वस्तु ना लें, अपने बारे में कुछ बताएं नहीं, कोई भी कीमती चीज़ अगर ले जा रहे हैं उसको अपने पास रखें या मोबाइल अपना चार्जिंग में लगा के सोए नहीं, क्योंकि अपराधी जब अपराध घटित करता है जब हम लापरवाही करते हैं। अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो अपराध घटित होगा ही नहीं। अगर आपके साथ कोई सीट पर कोई अन्य व्यक्ति आके बैठ रहा है तो आप उससे पूछिए कि आप हमारी सीट पर कैसे बैठे हैं या यहाँ क्या कर रहे हैं, या टीटी को बताएं कि सर ये आ गया है, जो जो संदिग्ध टाइप का प्रतीत हो रहा है। तो बस अगर हमको सूचना देंगे तो हम अपराध रोकेंगे।